हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो के साथ मैं शिपू आप लोग को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल शिपू क्रेस। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में वो है रिपेयरिंग होने आया है मेरे पास कुछ म्यूजिक सिस्टम, जो कि म्यूजिक तो नहीं, कुछ मंत्र मंत्र टाइप का कुछ म्यूजिक जो अभी आता है मार्केट में, वैरायटी ऑफ मंत्र का जो अवेलेबल है मार्केट में, वही वाला चीज़ मेरे पास आया है। तो आप देख सकते हैं ये है वो चीज़ जो कि टर्बो ब्रांड की है, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि शायद कस्टमर के कुछ खुद की कुछ रिपेयरिंग इसमें हुई हुई है, तो जाके उसकी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। वॉल्यूम का बटन ही नहीं है, गायब हो गया है, इसमें स्क्रू ही कुछ नहीं है, कुछ लगा नहीं है, ये फुल्ली ओपन हो जा रहा है इस तरह से। तो ये ओपन हो जाए तो इसके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सर, तो इसको तो खोलने के बाद पता चलेगा कि कस्टमर ने खुद से क्या इसके साथ कुछ छेड़खानी की है कि नहीं की है, कि ये चलने लायक कंडीशन में है। मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि इसमें अंदर में जो कार्ड लगा हुआ है वो चाइना मेड का कुछ आता है, चाइना का कुछ आता है कार्ड, तो उसी में ही आपका सारा सा मंत्र कुछ गाना फाना इसमें ही भरा हुआ था। तो मेरे को डाउट है कि कहीं वो कार्ड ख़राब ना, अगर वो कार्ड ख़राब हो गया तो ये कुछ चेंज का नहीं, वो बस फेंकने वाला बात हो गया। अगर वो कार्ड सही है, आपके पावर सप्लाई में कुछ फॉल्ट है तो वो भी रिपेयरिंग हो जाएगा, अगर उसमें भी सही है तो बस वॉल्यूम स्विच में अगर कम प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम स्विच ही लग जाएगा। तो चलिए ये सब चीज़ को आज सॉर्ट आउट करते हैं और इस चीज़ को आज बनाने के सीखते हैं। तो क्या इसमें खोल के देखेंगे क्या इसमें प्रॉब्लम है क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम रिपेयरिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको वो सब चीज़ के बारे में बता देता हूँ। पहले तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी मल्टीमीटर की। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक से कुछ भी काम शुरू करते हैं तो आपको पहले मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी सोल्डर आयरन की, सोल्डर पेस्ट की, सोल्डर वायर की, और उसके साथ जो कि इसमें वॉल्यूम स्विच की प्रॉब्लम है, तो वॉल्यूम स्विच ही गायब है, सॉरी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, वॉल्यूम स्विच ही गायब है। तो इसके लिए मैं वॉल्यूम स्विच ले आया हूँ, ये है 100K का, और आप देख सकते हैं 100K का। उसके साथ की कैप, और उसके बाद वाशर भी आप दुकान से मांगेंगे तो ये दे देगा आपको। उसके पास ज़रूरत पड़ेगी शार्पनर की और टाइट करने के लिए प्लास की। तो ये सब की चीज़ को साइड में रखते हैं, पहले हम इसको खोलेंगे। तो ऑलरेडी खुला हुआ है तो इसको पहले से ओपन करेंगे, उसके बाद उसकी पावर सप्लाई को टेस्ट करेंगे क्या ये सही है कि नहीं है, उसके बाद बारी बारी के जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आएंगे कि हाँ इस वॉल्यूम स्विच के पास आएंगे। तो ये सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, पहले हम मल्टीमीटर को ओपन कर लेते हैं और इसमें पावर सप्लाई दे के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पे सामने में रख दिया हूँ और चलिए इसको खोलते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, बस उसका ढक्कन निकालना है, तो उसके बाद भी देखते हैं। तो ये रहा आपका ढक्कन खुल गया, ओ देखिए यहाँ पे वायर टूटा हुआ है, शायद ये वॉल्यूम का होगा शायद मेरे को लग रहा है, हाँ। और ये इसके बाद का उसका कंडीशन देखिए क्या, ये ब्लैक ब्लैक हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को तो डर लग रहा है कि ये सही है क्या कहीं। ये है स्पीकर का भी कंडीशन देखिए, यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, तो इसको पूरा साफ करूँगा, पहले इसको चेक करूँगा कि ये हाँ ये ओके है क्या नहीं। देखिए ये वायर में कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे को, हाँ ये सही रहेगा इस टाइप का। पहले ये सब चीज़ को साइड में रखते हैं, अभी बारी है इसमें वोल्टेज पावर सप्लाई देके इसको टेस्ट करने के। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दी है, तो पावर सप्लाई हमको रहता है 200-240 तक, तो हम एसी सप्लाई रहता है, डीसी में नहीं रहता है, तो मैं इसमें एसी सप्लाई सेट करूंगा मल्टीमीटर में। मेरा यहाँ पे 600 वोल्ट रखे एसी वोल्टेज, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 600 तक एसी वोल्टेज दे दिया हूँ। और ये काम करने से पहले आप अगर बच्चे हैं तो बड़े साथ में रहिए, बच्चे तो ना ही करें, अगर कोई करता है उसी से करता है, तो बच्चे बड़ों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो और उसके साथ सावधानी कुछ बरखिए, और ऐसे कोई ओपन वायर को ना छुएं, और क्योंकि मेरे को मालूम है इस साइड मेरा डीसी सप्लाई है तो इसमें छूने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये ध्यान ज़रूर रखें और पैर में हमेशा कुछ रबर का जूता चप्पल पहन के ये सब काम कीजिए। तो यहाँ पर है हम लोग एसी सप्लाई, तो मैं यहाँ पर एसी सप्लाई चेक करूँगा, मेरा एसी सप्लाई आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि पावर सप्लाई ऑन कर दिया हूँ, तो यहाँ पे इंडिकेट होना चालू हो गया है। तो जैसे कि हम एसी वोल्टेज तक चेक करेंगे तो 600 वोल्टेज में मैं एक मल्टीमीटर को रखा हूँ, तो इसको हम चेक करेंगे। दो सौ चालीस का कुछ रीडिंग दिखा रहा है, तो उसके बाद हमको डीसी वोल्टेज अपना चेक करना है। तो लगभग मेरे को वोल्टेज पता नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर 20 वोल्ट का
200 से पहले रेंज में रखूँगा, उसके बाद उसको भी घटाकर 20 का वोल्ट में लाऊँगा। तो इसको इधर का प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। तो ये 5 वोल्ट का आसपास दिखा रहा है, तो मैं आपको 20 वोल्ट में सेट कर लूँगा। तो इसका मतलब हमारा ये पावर सप्लाई और किट यहाँ तक ओके है। तो इसका वॉल्यूम स्विच में भी प्रॉब्लम है, तो इसको पहले एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो मैंने इसमें यहाँ पे पावर सप्लाई दे दिया हूँ। तो इसमें वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ये रीसेट हो जाता है शायद, तो ये बटन से उसको पहले एक कोई सा भी एक मंत्र चालू कर लेते हैं। तो इसको कवर कर लेते हैं। बारीकी से सब हर तरफ से ध्यान देके करिए, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। और बाद में इसका पेंच कस लूँगा बाद में,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह से प्यार देते रहे कि इस तरह से अच्छा अच्छा वीडियो आपको लेते रहूँगा।